इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था TVS अपाचे 4U में अगर कनेक्ट ना आए तो उसे कैसे चेक करें। उसके शॉर्ट वीडियो का आंसर दिया है बिस्वान बुलेट सर्विस सेंटर से। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है AC करंट आता है, इन्होंने सही लिखा है। पल्सर गाड़ी में जो तार CDI से ST कोयल पर आती है ब्लैक कलर की, उससे ही RPM मीटर चलता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। मैं आपको RPM मीटर चला कर दिखाता हूँ। ये मैंने जो RPM मीटर की तार काटी हुई है इससे मैं चला कर भी दिखाऊंगा आपको। इधर सुपर गाड़ी खड़ी हुई है तो इसमें मैंने एक तार जोड़ ली है, देख सकते हो यहाँ पे ये तार जोड़ी हुई है, और इसको यहाँ से नीचे से निकाल के इधर यहाँ पे ले के और इधर यहाँ पे यहाँ लगा देनी है। मैं इसको लगा रहा हूँ, देखो ये मैंने इसमें जोड़ दी है। अब मैं आपको मीटर चला कर दिखाता हूँ। देखो ये, इसको मैं स्टार्ट नहीं करूँगा और ये सुई आपको चलती हुई दिखेगी, ये RPM से चलती है। उसमें भी इसका लीड कोयल का ही जो इग्निशन कोयल होता है ये इसका ही करंट उसमें जाता है। तो मैंने तार जोड़ दिया वहाँ पे, लॉक खुला हुआ है, देखिए अभी मीटर नहीं चल रहा है। और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। वेलकम टू माय चैनल मोनोटोवर्क। दोस्तों आज मेरे पास आया हीरो की BS6 बाइक स्प्लेंडर, और मैं आपको आज दिखाऊंगा इसमें क्या क्या सेंसर वगैरह लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पे इसमें ये ऑक्सीजन सेंसर दिया गया है, और देखिए ये रहा इसका नया जो लोगो, यहाँ पे इसका ऑक्सीजन सेंसर है, ये यहाँ पे लगा हुआ है। और देख सकते हैं ये विदाउट ICTS बाइक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम FI, देख सकते हो आप। और जैसे मैं इसको अभी ड्राइव करके आया हूँ, मैं यहाँ पे मतलब अपनी दुकान से थोड़ा हटके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं मिलता है। और इसमें भी ABS सिस्टम दिया गया है क्योंकि वहाँ टाइम नहीं लगता दुकान पे, इसलिए मैं वहाँ से आके थोड़ा, आप देख सकते हो मैं यहाँ खेत में वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें देखिए ये बाइक जब मेरे पास कस्टमर लेकर आया था तो इसकी सिलो नहीं, मतलब सिलो नहीं रुक रही थी, गाड़ी बार बार बंद हो जा रही थी। मैं उसके बारे में बाद बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखें। तो देख सकते हो इसकी यहाँ पे चेक इंजन लाइटें भी शो कर रही है, ऑन है ये। तो ये कस्टमर मेरे पास लेकर आया इसको यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसका ये TP सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ अंदर में इधर ही इस साइड में इसका इंजेक्टर दिया गया है, ये देख सकते हो। यहाँ से फ्यूल टैंक से पाइप आया है और ये यहाँ इंजेक्टर में गया हुआ है यहाँ पे, वहाँ देख सकते हो। तो जब इसका ये वाला सॉकेट यहाँ से निकला हुआ था तो मैंने इसको लगा दिया। उसके बाद भी अब मैं पहले आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। गाड़ी हमारी जो है देख सकते हो बार बार बंद हो रही है, देख सकते हो ये सिलो नहीं रोक रही है। तो मैं इसको ला कर देखता हूँ, हम बात करेंगे जो ऊपर चेक इंजन लाइट शो कर रही है उसको कैसे रिमूव करना है। ये मैंने इसको लगा दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चलो अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं, देखिए अभी भी सिलो नहीं रुक रही है। तो हमको क्या करना है, इसका लॉक बंद कर देना है और इसको निकालने के बाद दोबारा इंस्टॉल इसमें कर देना है इस तरीके से। अब देखते हैं, लॉक ऑन किया, देखिए आपको आवाज़ भी आई होगी, जो फ्यूल पंप होता है उसकी आवाज़ आई होगी, देख देख सकते हो। अब
हमारी गाड़ी जो है वो बंद नहीं हो रही है। हमने क्या किया, जैसे मैंने इसको लगा दिया, लॉक ऑन था जब, तो ये सिलो लगाने के बाद भी नहीं रुक रही थी। फिर मैंने लॉक बंद किया, लॉक बंद करने के बाद इसको लगाया, अब देख सकते हो सिलो रुक गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका इधर आधी मिनट दिया गया है, यहाँ पे चार्जर जिसको बोलते हैं, और इस चेक इंजन लाइट इसी में जल रही है। इसको कैसे बंद करना है वो भी मैं आज आपको दिखाऊँगा। ये गाड़ी स्टार्ट है लेकिन ये फिर भी जल रही है, स्टार्ट है गाड़ी लेकिन जल रही है फिर भी, तो इसको कैसे बंद करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अब हमको गाड़ी स्टार्ट करनी है, मैं इसको आपको बंद करके दिखाऊंगा। देख सकते हो अब हमारी लाइट जो है इंजन स्टार्ट करने के बाद बंद हो जाएगी। देखिए लाइट चली गई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो। इस शॉर्ट वीडियो का क्वेश्चन है, ये जो मेरे पास आई सीरीज की रिले है, इसमें आप देख सकते हो ये वायर है नीले पे पीली लाइन। अब आप सोच रहे होंगे तो पिकअप कोयल की वायर है। जी हाँ, आपने सही सोचा, ये पिकअप कोयल की वायर है। लेकिन ये वायर देखो यहाँ तो है, और मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। देखो यहाँ पर भी ये तार है नीले पे पीली लाइन, तो ये तार यहाँ इस पर जो यहाँ तो है करंट के लिए सीढ़ी पर, यहाँ आई थ्री रिले पर किस लिए आती है आपको ये ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स।